मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। दुकानों की नीलामी रोकने को बैठे अंशर पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कमिश्नर से मिलवाया। बरेली मणिनाथ पुलिस चौकी के पास बना मकान और दुकानों को नीलामी 23 मार्च से होगी। इसको रुकवाने के लिए मनोज बिकट कमिश्नर गेट पर अनशन पर बैठ गए। अधिकारियों को सूचना मिली, मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे, उन्होंने धरना समाप्त कराया और मनोज बिकट को कमिश्नर से मिलवाया। मनोज बिकट नाम है मेरा, और मेरे मकान को मैं दुकानों को लेकर नगर निगम फर्जी आदेश लेकर कब्जा करने के प्रयास से कल दुकान की नीलामी करने जा रहा है, जिसके विरोध में मैं यहाँ पर कमिश्नरी गेट पर अनशन में बैठ गया सूचना देकर, और जिसके लिए मुझे माननीय आयुक्त महोदय ने मुझे वार्ता के लिए बुलाया। मैं इस समय यहाँ वार्ता करने के लिए अंदर आया हुआ हूँ। जमीन हमारी अपनी है, 70 सालों से मालिक हैं इसके, और 1938 में प्रथम बैनामा हुआ था। वो वहाँ की रंजीशन रामलीला कमेटी की 5 करोड़ की जायदाद का मामला है, उसी को लेकर हमें वो लोग वहाँ से भगाना चाहते हैं, इसलिए हमारे खिलाफ मुनिंद्र यादव पार्षद 25 वार्ड का जो है वो फर्जी नए नए हथकंडे लगाकर जमीन पे हमारे कब्जा करने का प्रयास नगर आयुक्त के द्वारा कर रहा है। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।